हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे कि कैसे हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें, टारगेट हमारे अंदर किस लेवल पे एंट्री करना चाहिए। एक बार की बात है, नारद जी भगवान से मिलने जा रहे थे, और जब नारद जी भगवान से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा इस पीपल के पेड़, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था। तो नारद जी बोले, क्या कर रहा है यहाँ पे? उसने कहा कि मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, और जब तक प्रभु दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। नारद जी कहते, ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ, कह दूंगा भगवान से कि ऐसी ऐसी बात है। फिर नारद जी चले जाते हैं, क्योंकि नारद जी को पता है कि ईश्वर जो इंसान है कितने दिनों तक टिकता है, कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। नारद जी गए प्रभु के पास और बोले, प्रभु धरती पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है पीपल के वृक्ष के नीचे, आपकी तपस्या में लीन है, और बोल रहा है कि जब तक प्रभु दर्शन नहीं देंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। नारद जी की स्थिति ऐसी थी कि एक गाना आपने सुना होगा कि तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। तो नारद जी के सामने अगर भगवान का नाम कोई ले ले तो नारद जी को बड़ी ईर्ष्या होती थी, और जैसे उन्होंने भगवान से कहा कि ऐसी सी बात है, एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ आपकी तपस्या में लीन है और कहता है कि जब तक आप दर्शन नहीं देंगे वो वहां से नहीं उठेगा, प्रभु ने कहा, ठीक है, जाकर के उस छोटे बच्चे से बोल दीजिएगा कि इस पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं, पत्तों की बात हो रही, उतने जन्मों तक मेरी तपस्या करेगा तो मैं दर्शन दे दूंगा, उतने जन्मों तक। और ये उम्र तो ईश्वर के हाथ में, अगर वो बढ़ा दें, 100 100 साल की कर दें, 200 साल की कर दें, 125 साल की कर दें, बहुत टफ हो जाएगा। नारद जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नारद जी ने सोचा कि हे भगवान, आपने तो बड़ा कमाल किया, क्योंकि पृथ्वी पर बैठा मनुष्य जो मंदिर में जाता है तो जूते चप्पल अगर बाहर निकाल दे तो प्रार्थना में तो लीन है कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्खा तुम्हें, तो उसका तो ध्यान हमेशा उधर भी रहता है कि कोई जूता या चप्पल लेके गायब तो नहीं हो गया, हमेशा ध्यान रहता है। और इतने जन्मों तक तपस्या कैसे करेगा? नारद जी बहुत खुश हुए और आए धरती पे आकर के उस छोटे से बच्चे से उन्होंने बोला कि हमने प्रभु से कहा और प्रभु ने कहा कि इस धरती, इस पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। ये सुनते ही छोटा सा बच्चा खड़ा होता है और बोलता है, बस, झूमने लगता है, खूब खूब झूमता है। नारद जी कहते हैं, बारे प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है, जो आपके करीब आना चाहता आप उसे पागल ही कर देते हैं। और उसी पल नारद जी को एहसास हुआ कि पीछे कोई खड़ा है, और जैसे पलटे प्रभु, उन्होंने पीछे मुड़ते ही जितना वो खुश थे उतने ही तेज गुस्से में आ गए, बोले कि ये क्या मजाक, आपने तो बोला था कि पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या के बाद मैं मिलूंगा, क्योंकि आप अगर किसी से बहुत लगाव रखते हैं ना तो आप उस पर गुस्सा भी उसी रेट से करते हैं, अगर आप बहुत बैलेंस नहीं है तो, है ना। तो प्रभु ने कहा कि पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करने में जो ग्रेविटी क्रिएट होती वो एक पल में ही क्रिएट हो गई, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और आपने सुना होगा, एक गाना भी था कि एक पल में सदियां जी डाली, एक पल में सदियां जी डाली, आपने इस गाने को सुना होगा। तो उस एक पल में इस बच्चे ने इतनी ग्रेविटी क्रिएट कर दी कि प्रभु को भी आना पड़ गया धरती पे। तो आपको अगर अपना लक्ष्य चाहिए तो आप इतनी ग्रेविटी क्रिएट करिए कि लक्ष्य आपके पास खुद चल करके आ जाए, मीन्स उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करिए।
कंपटीशन में कभी भी बहुत तेज होना, बहुत कमजोर होना पढ़ने में मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो उस कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है, कितने मार्क्स हैं वो आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर दो लोग हैं, एक डेली वर्कर जो होते हैं, जो काम लोग करते हैं पर डे के उस पर, और एक बड़े सूटेड बूटेड किसी कंपनी की मान लीजिए वो, और फॉर एग्जांपल बाई एक्सीडेंट दोनों को ऑटो से यात्रा करना पड़ गया। तो अगर ऑटो से यात्रा कर रहे हैं, सूटेड बूटेड हैं आप, अगर पैसे नहीं जेब में, तो हो सकता है कि एक बार आप बोले ऑटो वाले से तो उसको लगे कि सच में पैसे छूट गए आपके, अदरवाइज वो आपको नहीं बैठाएगा। तो बट उसको बैठा लेगा जो डेली वर्कर जो पैसा देगा। तो उस समय ऑटो वाला के लिए कस्टमर हैं दोनों लोग, और जो उसका जो किराया है वो पे करेगा, वो बैठ के जाएगा। सेम चीज कंपटीशन में भी होता है। कंपटीशन में बहुत तेज होना, बहुत कमजोर होना ये मैटर नहीं करता, बट उस कंपटीशन की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप उसको कर रहे हैं तो कंपटीशन आपका होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होंगे आपकी लाइफ में कि हाई स्कूल इंटर, बीएससी, एमएससी या बीए, एमए सब टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, बट क्वालिफाई नहीं हो पाए एग्जाम। और एक आपने देखा होगा कि ऐसा एवरेज स्टूडेंट था, लगा रहा और वो क्वालिफाई कर गया। तो एवरेज स्टूडेंट क्वालिफाई कर गया तो एवरेज जो था नहीं, उस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट थी पूरा कर दिया तो हो गया। इसलिए बड़ी अच्छी सी बात कही गई है कि कंपटीशन में जितनी जरूरत है उतनी तो आपको करनी पड़ेगी। आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत कमजोर हैं, इससे बहुत मैटर नहीं करता। आप रिक्वायरमेंट को पूरा करिए, वो ग्रेविटी क्रिएट करिए जिसकी वजह से इस बच्चे ने ऐसा क्रिएट किया कि प्रभु को आना पड़ गया धरती पे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आपके अंदर से आना चाहिए कि हम ये चीज़ पूरी करनी, आप कर ले जाएंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस।